अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? यार एक मिनट, सारा कुछ तेरा मैं सारा मसला हल करना। यार मुंह ना किता कर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हमारी हम दोनों जोड़ी की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं। तो चलें जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल ठीक हैं? कितना आप सब लोग ठीक होंगे? जहाँ भी रहें खुश रहें, बाज रहें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब बहन भाई की दुआ है। तो अभी जैसे शाम का टाइम है और अभी मतलब हम कुछ नहीं बना रहे, खाने पकाने का टाइम है। हाँ, बना कुछ नहीं रहा। हाँ जी, तो चलें जी अभी जो है ना, वो भाई भी आ गए, वो उधर देखने जाना है एक। चलें तो अभी ना मैं इसे पूछता हूँ कि आज क्या पकाना है, मैं जल्दी से लेकर आपको सारा सामान दे दूँ। हुक्म करो बेबो, बाहर देखो कौन आया, बाहर देखो कौन आया। चलो क्या लेना है बताओ। मुझे नहीं पता। बताओ, चिकन लेके दे दो एक किलो, बना लोगी? हेलो सोने, दस दियो सोने। चाचू अजहर आया है सच्ची? वाह जी वाह। चलो अभी मैं आपको सामान लेके देता हूँ, फिर हमने काम जाना है। ओके ओके। अभी जी माशाल्लाह चिप्स भी ले ली और साथ में जो है एक किलो चिकन भी ले लिया। और क्या लेना बेबो? सब्जी। सब्जी में हम ले लें टमाटर, प्याज और धनिया ऐसे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, दी ग्रेट, क्या हाल है? ठीक हो? कीवे लाए हुए टमाटर शमाटर? टमाटर किलो ते प्याज साठ। बेबो अपनी मम्मा को बुलाओ। तो जी अभी जो है सामान वगैरह उतारते हैं। ये एक किलो टमाटर, एक किलो प्याज, मिर्च, धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें ले ली हैं। ये रख देते हैं जी किचन पे। और उसके बाद जी अभी सबा को देना है बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि हर दिन नाराज़ रहती है ना, तो उसको खुश भी तो करना है ना। तो ये जी आ गया चिकन, ये अपनी मम्मा को दो और जो उसको अहम सरप्राइज है, देखना इतनी खुश हो जाएगी ना, इतनी खुश हो जाएगी, यकीन माने मेरा दिल जीत लेगी ये देखकर, बहुत खुश हो जाएगी देखना। अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ तो ठीक ही हूँ, ठीक छोड़ के गए तो ठीक ही हैं। आखिर 10-15 मिनट गए हैं, बंदे को पेट में दर्द, सर में दर्द या कोई भी मसला मसाला, अल्लाह खैर करे, हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुआ करो बस। हाँ जी हसन जानी आप कैसे हो? चलें जी अभी सरप्राइज देते हैं। तो जी सबा बेबो के हाथ में है आपके लिए सरप्राइज। चिप्स। हाँ जी, जो आप शौक से खाती हैं। ये इतने बड़े बड़े पैकेट लेके आया हूँ मैं तेरे लिए, 60-70 वाले, 80 वाले। अभी इधर देख के बताओ कितना खुश हो? माशाल्लाह, ऐसे ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखनी होती है मैंने, और तो कुछ नहीं। तो चिकन भी अच्छे से बनाना, VIP बनाना, मैं आपको बता दूंगा रोटी पानी, क्योंकि जब हम वापसी आएंगे क्या, हम इधर घर में आके खाना भी खाएं दोनों इकट्ठे। हाँ ठीक हो गया? हाँ जी, तो इधर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इनको रख दिया है। तो चलो बेबो अभी मैं जा रहा हूँ चाचू अजहर के साथ, ठीक है, काम करके फिर मैं अभी वापस आता हूँ। ओके ओके। हाँ चलो, ये चाबी बाइक की आप उधर रख दो, और कोई काम हो तो बताना सबा। बस चिकन ले आए हो? हाँ, आपको कहा था मैंने, कहा प्याज और धनिया नहीं है, वो भी लेते हैं। प्याज लिया है, टमाटर लिया है, धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्च लिया है, वो सारे बाहर रखे हैं मिसाल। हाँ जी, वैसे आपकी बात मैंने बिल्कुल सच्ची, मुझे नहीं पता आपने कहा है, लेकिन मैं खुद ब खुद से आपको पता है किलो किलो टमाटर प्याज ये सारी चीजें लेके आता हूं। टमाटर तो रखे थे लेकिन प्याज और धनिया नहीं था, वो प्याज सुबह मैंने जब सालन बनाया भाभी से लेके बनाया था। चले ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक है। ओए अस्सलाम वालेकुम भतीजे, क्या हाल है? ठीक है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह। पहले तो बताएं क्या खाना पीना है? कुछ भी नहीं, बस ना मैं कहता हूँ यार चले टाइम बचाए, वहाँ पे ना ट्रक आया हुआ बजरी का। अच्छा, तो उसको पेमेंट अदा करनी है ना। सही, तो बताया ना उसने खाला ना, तो वो आज आ गया। अभी जो है जी हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं, अभी पेट्रोल पंप जो है उस पर हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो है वो बंदा पेट्रोल ही डलवाता है। तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के फिर हम यहां से होते हैं रवाना, तो आप सबने साथ रहना है। तो जी एक बहुत बड़ा शहर लिखा हुआ है जी, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
मेरी गुरबत को देखकर रास्ता ना बदल लेना, मैं दिल का बादशाह हूँ, मुकद्दर तो खुदा लिखता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल जी, देखें दिल के हम बादशाह हैं, पर देखें जो नसीब मुकद्दर वो तो सब अल्लाह पाक लिखता है ना। तो बस गुरबत को देखकर रास्ता ना बदल लेना, आगे एस भी लिखा हुआ है। तो सबा जी आपके लिए है, अपनी वाइफ के लिए मैंने कहा है। तो जी अभी जो है हम पहुंच गए हैं विलेज में, गांव में, जहां पे मस्जिद बन रही है। और ये देखें बजरी का जो है ना ये ट्रक मंगवाया गया है। तो ये ट्रक इतनी फायदेमंद साबित हुआ है कि ये वाली बजरी अगर ये 1100 है 1200 फुट है 1100 फुट अगर यहाँ पे मंगवाते तो वो 258,000 की बन रही है, मतलब 260,000 में। लेकिन अगर हम उधर से हमने मंगवाई है ना दूसरी ये ट्रक मंगवाया, तो ये पड़ गई है तकरीबन 85 रुपए 88 रुपए पड़ गई है। तो अभी आपको मजदूर दिखाता हूँ, ये सामने मजदूर खड़े हैं काम कर रहे हैं, जिसमें अहमद भाई भी हैं, ये सामने कई उठा के ना काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इसने भी मजदूरी शुरू कर दी है क्या? हाँ साफ जाहिर है यार, अभी जब मजबूरी हो तो हम भी तो कर लेते हैं ना, तो इस वजह से। तो जी अभी देखें जी सरप्राइज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप इधर कैसे आ गए? वो आपको पता है हम भी मस्जिद बनवा रहे हैं ना। अच्छा, तो फिर अजर भाई ने मंगवाया था पूरा ट्रक बजरी का, तो मैंने उनको कहा था कि आप 300 फुट जो है मुझे दे दीजिएगा, मैं अपनी मस्जिद में इस्तेमाल करूंगा। तो इन्होंने जो है वो गिफ्ट कर दिया हमें। अच्छा, कि आप जो है यहाँ से फ्री ले लीजिएगा मस्जिद। सही है, क्योंकि वो भी मस्जिद बन गई, ये भी मस्जिद बन रही है। कोई उधर आपसे उधर मस्जिद में कोई फालतू हो तो आपने भी फिर इस मस्जिद में भिजवा देनी है। मैंने भी यही सोचा है कि चलो अजर भाई को ना गिफ्ट करेंगे कोई ना। सही है, सही है, क्योंकि आप तो है ना बड़े यूट्यूबर, अजर भाई हैं छोटे यूजर, उनको लोग जो है कम देखते हैं, उनके पास मस्जिद के लिए पैसे भी बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन मस्जिद भी ये जामिया मस्जिद बना रहे हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद। हाँ, तो ये तो जितना भी पैसा है कम हो जाता है। खाली सरिया देखें थोड़ा सा नीचे से उठाने के लिए 1.5-2 लाख का सरिया। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही, और आपको देख के यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई। हंसी नहीं रुक रही। बिल्कुल ऐसा ही है। चले अल्लाह पाक खैर करे। और घर में बच्चे सब ठीक थे? घर बन गया आपका? हाँ जी। अभी आपको इनवाइट करेंगे ना हम। अच्छा चलें देखते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह। पहले भी आपने काफी बकरे कुर्बान। ये आगे ट्राली जा रही है जी, ये बजरी भर भर के, क्योंकि वो इस ये कच्चा एरिया है ना, तो यहाँ पे ट्रक जो है वो नहीं आ सकता, इसलिए ट्रालियां भर भर के ना उधर मस्जिद में जो है वो पहुंचाई जा रही है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तकरीबन देखें कि 10-12 दिन पहले आया था तो इसके ना एरे जो है वो मार रहे थे, लेकिन आज माशाल्लाह देख के दिल खुश हो चुका है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये आप देख लें सारा, ये आपके सामने है कि ये बहुत बड़ी जामिया मस्जिद जो है ना वो बनाई जा रही है। और ये देखें पीछे ना, जो पीछे सैन के लिए भी ना एक गरीब आदमी ने जगह दे दिया, अलहमदुल्ला 4.5 मरले, क्योंकि माशाल्लाह। और जो नहायत गरीब आदमी है, और हम चाह रहे हैं कि जब हमें हमारे पास कुछ पैसे आएंगे ना तो हम उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। हाँ, तोहफे के तौर पे, ताकि उसे ये लगे कि देखे मैंने किसी को दिया, अल्लाह पाक ने मेरी मदद। टोटल जगह जो ना 20 मरले उसके पास थे, 20 मरले। अच्छा, उसने 5 मरले ना अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दिए। माशाल्लाह जी, क्योंकि ये देखे ना ये तो अंदर का हो गया ना, ये बाहर का हो गया, बाहर का ये हो गया, ये सहन हो गया मस्जिद का, ये मस्जिद का कमरा हो गया, ये हाँ। बरांडा हो गया मस्जिद का, वही बरांडा हो गया, और हाँ। बाहर हमारे पास जगह नहीं थी। हाँ। तो उसने फिर ये दे दी। हाँ, उसने ये ना ये हमें जगह दे दी माशाल्लाह। ये देखें जी ये सामने। हाँ। ये जगह फिर दे दी है। यहाँ पे आप देखो कि आपके वॉशरूम, पानी का सिस्टम, टूटियां, उसके अलावा यहाँ पे मतलब के खुला डुला बन सकता है। कल को उस साइड पे आप कमरा बना दे, जो हाफिज साहब यहाँ पे मुफ्त कर रहे हैं उनके लिए भी कमरा बनता है ना। ये भी इसमें आप वो करेंगे और गली का रास्ता भी तो छोड़ेंगे ना, ताकि रास्ता कोई तंग ना हो रास्ते से। तो जी माशाल्लाह, जो मिट्टी का फ्राट है ना, जो मिट्टी गिर के फ्राई होगी वो भी 70,000 रुपए की है। ये मतलब ये यहाँ तक जो है ये भराई होगी, आप इतनी ऊँची है। तो ये जो मतलब ये वार हमने दिए हुए है ना ये वाले, तो इसके ये जो है भरा तक दिए हुए हैं, अब इसमें मट्टी डलनी है यहाँ तक, तो फिर ऊंची जो है फिर आगे मस्जिद जो है ना वो तैयार होनी है। मतलब कि अभी जो है ना ये सिर्फ जैसे वो एक एरे नहीं लगते, वही एरे लगे हैं एक जो है नक्शे के ऊपर बनाई गई है अभी, उसके बाद अभी काम जो है वो अभी स्टार्ट होना है।
ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। अभी यहाँ से देखें कि बहुत बड़ी मस्जिद, बहुत बड़ी बस्ती है और बहुत बड़ी मस्जिद जो है ना माशाल्लाह बनाई जा रही है। और ये जी माशाल्लाह भाई हैं शहद भाई, तो इनकी निगरानी में काम हो रहा है। हाँ जी, इनकी निगरानी में हो रहा है क्योंकि इनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी, ये मस्जिद के लिए जगह भी उन्होंने पहले ही वक्फ कर दी गई थी। प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है मैं आपको बता दूं कि ये मस्जिद यहाँ तक पहुँची है। समझ लें कि अभी जो एरे हैं, एरे बने हैं, अभी तो इसमें भर्ती होनी है ना, सिर्फ नक्शे के ऊपर एरे बन गए हैं। तो इसके बाद जो है ना मस्जिद की जो रकम वो ख़त्म हो चुकी है, और अभी जो भी इस मस्जिद के लिए देना चाहे वो स्क्रीन पर नंबर दिए गए नंबर पर रابطہ ज़रूर करें, और जितना हो सके इस मस्जिद को बनाने में तावन करें क्योंकि ये अल्लाह पाक का घर है। इनको ना जो अभी वो ट्रक है ना बजरी का, हाँ जी, इनको पैसे देते हैं, गिनती करके बताएंगे कितने हैं। हाँ जी, ₹1,00,000। तो जो भी अब इस मस्जिद में हिस्सा लाना चाहे, हिस्सा मिलाना चाहे, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर रابطہ करें। बजरी की जो है वो ट्राली यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर अभी खाली हो रही है। तो जी ये देखें, ये भी मस्जिद के लिए सरिया पड़ा है, सरिया, और उसके बाद ये भी सरिया पड़ा है सारा। जगह रखा हुआ कि बच्चे खराब ना करें इसको। हाँ सही है, घर में रखा हुआ तो खराब हो जाएगा, इसलिए जो है ना सेफ जगह ऊंची जगह रखते हैं। हाँ, क्योंकि ये बने हुए हैं ना सारे, ये तारे खराब हो गई ना तो फिर बना हुआ है पूरा इसका, ये ना पिलर बना हुआ है, सही है, जाके फिट कर देना ऊपर, और फिर जो है फट्टे लगाएंगे, फट्टे लगा के फिर भराई करेंगे। आज बजरी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला जी कतरे कतरे से दरिया बनता है, ऐसा ऐसा काम चल रहा है। तो बस अभी भी काम चलता है, लेकिन कट्ठी बजरी मंगवाई ना, इस वजह से भी काम थोड़ा हमारा अब रुक गया, क्योंकि ₹1,00,000 एक साथ देना पड़ गया, नहीं तो ₹1,00,000 की अब भर्ती जो है ना वो तो डल जाती ना। लेकिन इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज जो है ना वो हम सस्ती तरीन लें, जितना हो सके ना हम फायदा उठाएं, सस्ती चीजें लें, महंगी ना। अगर इधर से लेते ₹2,50,000 लगता, उधर से लिए ₹1,00,000 लगा, ₹1,50,000 का फायदा हुआ। ₹1,50,000 में अभी देखिए हमारा और बर्ती भी डल जाएगी, उससे भी पैसे बच जाएंगे, मतलब एक मिसाल दें। बजरी हाँ। जो है ना हमारी छत की भी पूरी हो जाएगी। हाँ। ये सिर्फ नीचे छत भी फर्श भी, ये तकरीबन अब हमारी मस्जिद को बजरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी सही, तकरीबन 1100 फुट है, 1100 फुट 1100 और 20 फुट उन्होंने छोड़ दिया, सही 1100 के पैसे ले रहे हैं। तो जी माशाल्लाह ये देखें, चौकाट भी आ चुकी है मस्जिद की बन के, ये कितनी 3 है, बड़ा दरवाजा है मस्जिद के सेंटर सेंटर का। ठीक हो गया, दो साइड में लगेंगे, यानी कि फ्रंट पे हम 3 दरवाजे दे रहे हैं। सही हो गया, मस्जिद में दाखिल होने के लिए 3 दरवाजे हैं, पहले पहले अंदर, सही, पहले जो है ये बड़ा दरवाजा है, यानी कि 5x7 का, सही है, और 2 फुट के ऊपर जाली लगी हुई है, सही हो गया। दो है ना जो नीचे वो 4x7 के, ठीक हो, दो है नीचे उसके नीचे वो वॉशरूम के, वॉशरूम के हैं, सही, 5 हैं टोटल, 5 हैं। और ये सरिया जो पड़ा है, ये नीचे जो भीम डाल रहे हैं उसके लिए सरिया कटवा के रखा, सही हो गया। अभी बजरी आ गया, इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट। माशाल्लाह जी, आम का सीजन भी अभी आने वाला है, बड़े बड़े आम जो है ना वो लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला तकरीबन जब मस्जिद का, अगर इंशाल्लाह दुआ है कि मस्जिद इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाए कि मस्जिद के, मस्जिद का इफ्तिताह करने आए ना तो साथ में ये आम भी खाएं, इस दरख्त के आम, बस ये तो अल्लाह का घर है जी, इंशाल्लाह। हाँ, ये अल्लाह पाक, अल्लाह पाक चाहे तो ये 1 महीने से पहले पहले भी इफ्तिताह, अल्लाह पाक जिसे चाहे, और फिर बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे यहाँ पे, हाफिज कुरान बनेंगे, तो आपके लिए जो बनवाएगा उसके लिए भी सदका जा रहा है, और उनके मरोबीन के लिए भी सदका जा रहा होगा ना, बेशक। एक आप साथ साथ बच्चे जन्नत में लेके जाएगा, तो जिसने ये मस्जिद बनाई होगी उनके बच्चे वो नहीं जाएंगे जन्नत में, बिल्कुल अल्लाह के खिलाफ तो जाएंगे ना, बेशक। हाँ, तो जन्नत में महल बना के देगा इंशाल्लाह। तो और इधर जी भाई ने ठंडा मंगवा लिया है क्योंकि गर्मी थी बहुत ज्यादा, और सफर भी करके है ना। हाँ जी, और अभी जो है यहाँ पर पीते हैं ठंडा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम पहुंच गए घर वापस मोहम्मद हसन के पास। कैसे हो, रो रहे थे ना पहले, अब खुश हो गए?
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, तबीयत सेहत का? खाना शाना रेडी है? चलें जी। और बेबो जानी आप सुनाएं, कैसे हो, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो? ये कार वाली गेम खेलते हो? ये वाली, ये मज़ा आता है? अच्छा चलें जी। चलो अभी ना खाना खाना वगैरह लगाओ। क्या की टेबलेट? टेबलेट जो आपने बोली है, हाँ तो खाना खाना खा के ना, तो अजहर भाई के पास, अजहर भाई के साथ ना चला जाऊंगा, ठीक है? उधर चौक से फिर टेबलेट लेके मैं पैदल ही आ जाऊंगा इधर, ओके? टेब हाँ छोड़ो हमें लेने। मैं तो सच्चा मैं जाता हूँ ले आता हूँ। तो जी अभी जो है ना खाना वगैरह सबा ने बनाया हुआ है, कभी कोई आप तो डरी डरी मुझे भी डराया। मैं तो अभी नहीं थी। अच्छा अच्छा बनाया वीडियो मस्जिद की। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अभी तो सिर्फ जो भर्ती डलनी होती है ना, नीचे ऐरे बनते हैं, ऐरे बने, अभी भर्ती डलने के भी पैसे नहीं हैं, सिर्फ ऐरे बने हैं बस। बस मतलब थोड़े से सारी करते हैं कि पहले भर्ती करके फिर ऊपर लेकर जाए। हाँ चलें जी, क्योंकि ये जो सिर्फ ऐरे डाले हैं ना, वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में 3 लाख के करीब जो है वो सिर्फ ईंट आई है। कितनी महंगी हो गई है क्या? महंगी नहीं, ईंट इतना लगे, बड़ी जामिया मस्जिद बन रही है ना। अच्छा। हाँ जी, तो अभी जी यहाँ से निकालते हैं, बस अल्लाह पाक जब चाहेगा मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं लेके चलू? नहीं नहीं मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, किसी के सामने मेरी इज्जत करने की जरूरत नहीं है। व्लॉग में सबको पता चल जाता है अमर की कितनी इज्जत है घर में, ऐसे क्या दिखाने की जरूरत है। नहीं। वीडियो में सारे काम मैं करता, बहुत इज्जत है, यही तो कपड़े ना मिले, ये हंसी खुशी ना हो, सारा दिन लड़ाई झगड़ा बहुत ही है। लेकिन आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी नहीं, अच्छा कहती हो ना काफी, तो फिर हंसती क्यों हो? क्योंकि इसमें फिर डाउट आ जाता है कि आपको मतलब कि खुशी है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ घर में हो रहा है, जो जो चीजें आपने बोली है। बाहर की छोड़ो, मैं घर में हूँ वो ठीक है, बाहर की छोड़ो, जब घर में इज्जत होगी बाहर खुद ब खुद बन जाएगी। आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितनी केयर करते हो, कितनी मोहब्बत करते हैं बच्चे। मैं अच्छा अभी मैं दस्तरखान लेके जा रहा हूँ, आप ना रोटी शोटी गरम कर, सालन गरम करके ले आओ। हाँ ओके, देख लो गरम है तो रिलैक्स होके, अगर नहीं गरम तो कर लो ओवन में, ओके? ओके ओके, पानी शानी का बंदोबस्त। ओए सालन तो मैंने देखा नहीं, गला में माशाल्लाह जी, चिकन जो है वीआईपी बना हुआ है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है ना वो लग चुका है, तो अभी मैं और अजहर भाई यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, उसके बाद फिर अजहर भाई अपने घर को रवाना हो जाएंगे। हम तो कहते हैं यहाँ पे, यहाँ नसीब यहाँ था, कभी नसीब इसका रात को नहीं होता कि रात को यहाँ पर रहे। चलें खाना खाते, असल में मेरी अम्मी बीमार है ना, तुझे पता है, फिर बोला हाँ अम्मी जान को संभालना होता है। हाँ, बिल्कुल जैसे मैं अभी जहाँ पर भी हूँ ना, लोग कहते हैं रात, मैंने कहा रात तो गुजारूँ, मेरे साथ अम्मी अबू होते हैं, उनकी केयर भी तो करनी होती है ना, कोई चीज जरूरत है, फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनका तबीयत का नहीं पता चलता। और अच्छा फिर दिन को ना बुजुर्ग ठीक रह जाते हैं, रात को हाँ, गर्मियों में भी मसला है, सर्दियों में भी मसला है। इधर जी हसन जानी को जो है ना सलवार चेंज करवा दी, अभी पैंपर लगा के सुलाने की मतलब कोशिश जारी है ऐसे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया, तो अभी जो है ना सबा शुरू हो रही है, अल्लाह खैर करे। और उधर वो देखें, वो दस्तरखान खा रहा है। हेलो, ये खाने की चीज़ नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है। और बेबो जानी तो अपने लगा हुआ है, खाना खाओ फोल लू, वो उसने खाया होगा कहीं से,
अच्छा हाँ, वो जो मैं इसको बनाई कर रही थी ना उस टाइम रोटी वो सुबह रखी थी और भिंडियां भी रखी थी वो चलें जी प्यारे बहन भाइयों, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान, पाक फौज, सब बहन भाई अल्लाह हाफिज।